अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटका कुल्फी और इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, हाफ लीटर यानी 2 कप मैंने दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। 2 टेबल स्पून बादाम लेंगे और 2 टेबल स्पून काजू लेंगे। इसका हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। 3 टेबल स्पून लेंगे मिल्क पाउडर, मैंने अमूल्य लिया है, आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/4 कप लेंगे चीनी, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सेफ्रन स्ट्रैंड लिए मैंने एक पैकेट छोटा वाला। 1 टेबल स्पून लेंगे काजू, 1 टेबल स्पून लेंगे बादाम और 1 टेबल स्पून लेंगे पिस्ते, ये चॉप किए हुए हैं। मटका कुल्फी बनाने के लिए मैंने इस टाइप के मटके लिए हैं, सेरेमिक के, आप मिट्टी के किसी के भी ले सकते हैं। पैन में दूध को शामिल करेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ गया है और इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे केसर घोलने के लिए, और फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर दूध को रेड्यूस करेंगे जब तक कि अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का आधा रेड्यूस नहीं हो जाता, और चम्मच हम चलाते जाएंगे। और इधर मैं मलाई में, सॉरी दूध में केसर डाल देती हूँ घोलने के लिए। केसर का घोल तैयार है और इसको हम डाल देंगे दूध में ही, और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसको चम्मच चलाते हुए गाढ़ा करते रहेंगे। काजू बादाम को मैं जार में डालकर इसका एक पाउडर कर लूंगी। तो काजू बादाम का पाउडर रेडी हो गया है, तो दूध गाढ़ा हो गया है और उसको मैंने रेड्यूस कर लिया। उसमें डाल देंगे चीनी और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मिक्स हो चुकी है और इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर और फ्लेम लो कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे बादाम और काजू का पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर और काजू का पाउडर और बादाम का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको मटके में फिल करते जाएंगे। सारे मटके भरकर तैयार कर लेंगे। तो इतने कुल्फी बैटर में सिर्फ 3 मटके भरकर तैयार हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम, और ये पिस्ते। और इसका कैप लगाएंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीजर में 1 दिन के लिए। 1 दिन हो चुका है और इसको देख लेते हैं कितनी अच्छे से जमी है आइसक्रीम। देखिए कितनी वैसी बनी है, क्रीमी सी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।